जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखो। रोहिणी जी, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ और आप यहाँ हो। क्या हुआ बोलो। दीदी, आई नीड योर हेल्प। हाँ बोलो, क्या हुआ। हमारे स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग है, सारे स्टूडेंट के पेरेंट्स को इनवाइट किया गया है। तो पापा इशमा नहीं आ रहे। एक्चुअली मैंने पापा और इशमा को इस मीटिंग के बारे में नहीं बताया। क्या, क्यों भाई। मैं नहीं चाहती कि वो स्कूल आए। क्या बोल रही हो तुम बीहू, क्या बात है। लेकिन इशिता, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्यों नहीं चाहती कि ये लड़का घर वालों और रमन के सामने आए। बात क्या है शगुन, तुम्हें अच्छी तरह से पता है सबको कितनी मुश्किल हुई है आदि को भुलाने में। बहुत ट्रॉमेटिक फेज था वो सब लोगों के लिए। तुम, मैं, हमारा पूरा परिवार उसे भूल नहीं पा रहा था। हमने हमारे आदि को खोया था, पर ये हमारा आदि नहीं है, वो युग है। वो कंप्लीटली एक अलग इंसान है, किसी भी दूसरे अजनबी की तरह। उसे अगर हम हमारे परिवार के सामने लाएंगे, सब दोबारा उसी जोन में चले जाएंगे। उन्हें फिर से हमारा आदि याद आ जाएगा और हमारे आदि का एसोसिएशन युग के साथ करने लगेंगे। आलिया का सोचा है, आलिया का क्या होगा। वो बेचारी युग को देख के, हम नहीं चाहते कि वो युग के कारण आदि को याद करे और वो फेज दोबारा हमें नहीं दोहराना चाहिए। ये हमारे हाथ में है फिलहाल। शगुन, मैं बस उसे थैंक यू कहना चाहती थी, क्योंकि मैं सच में उसकी शुक्रगुजार थी। उसने मेरी जान बचाई है, पर इसके आगे मैं कुछ नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि हमारा उसे कोई भी लेना देना रहे, इसलिए प्लीज उसे हम हमारे परिवार के सामने नहीं आने देंगे। हम दोबारा हमारे परिवार को उस फेज में नहीं धकेल सकते। शायद तुम ठीक कह रही हो, हमें भूल जाना चाहिए उसे। I'm sorry. पीहू, क्या बात है, बताओ मुझे। इशमा के किडनैप होने के बाद जब पापा ने टीवी पर अपील की थी, तो उसे देख के सब मुझे स्कूल में पूछने लगे इशमा के बारे में, स्टूडेंट्स, टीचर्स, एवरीवन। और जब इशमा स्कूल आएंगी तो उन्हें भी वो क्वेश्चंस फेस करनी होंगी, सब उन्हें भी पूछेंगे। आई डोंट वांट टू पुट हर इन टू ट्रबल। ठीक है, आई अंडरस्टूड। ओके, वो दोनों नहीं तो मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। ठीक है, मैं सर्कुलर लेके आती हूँ, आप उसे साइन कर दो। जाओ। सॉरी सॉरी। वो ब्रेकफास्ट रेडी है तो आ जाओ। जाओ, मैं आ रही हूँ। ओके। अरे चीके, माना तुम्हारे क्लिनिक से कोई आया था। नीचे चले की क्या जरूरत थी, उसे ऊपर बुला लेती तुम, और इतनी देर। रमन प्लीज, हाइपर होने की कोई हाइपर होने की जरूरत है। तुम जा। पापा, आप लोग देख रहे हो क्या कर रही है, अकेली नीचे चली गई। आज के बाद ये अकेली कहीं नहीं जाएगी। जी पापा जी। क्या कर रहे हो आप, अकेली कहीं नहीं जाएगी मतलब क्या, सब लोग मेरे साथ साथ ही चलते रहेंगे अपना काम धाम छोड़ के। आई डोंट नो, जिसको जो करना करेगी, तुम्हें अकेला कोई नहीं छोड़ेगा, समझ गया। अरे पुत्र, तू एक काम कर, तू इसका बॉडीगार्ड बन जा, तेरी टेंशन खत्म हो जाएगी, ये ठीक रहेगा। हां, हंसने वाली बात नहीं है ये, आई एम वेरी सीरियस। तुम लोग जानते हो ना क्या कुछ हुआ है। कैसी जो, सॉरी सॉरी, हम अका को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ेंगे। अच्छा सुनो, अब आप ऑफिस जाओगे, आपके साथ भी बॉडीगार्ड्स भेजे आपको ले जाने के लिए। मुझे कोई बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है, मैं इनफैक्ट तुम्हारी बॉडीगार्ड कर सकता हूँ, समझी। इनफैक्ट मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, आज रूही ऑफिस जा रही है। क्या? हाँ, क्योंकि मैं आज घर पे रहकर किचन में काम करूंगा। ओ अच्छा, मेरा घर है, मेरी मर्जी। सब लोग काम पे लगो अपने अपने, यार देख क्या रहे। वाओ।
कितने खुश हैं सब, बस ऐसे ही रहे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।